BBCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी, खबर हमारी। जनपद अलीगढ़ के तहसील इगलास के गांव बेसवा में मार्केट के पीछे खाली पड़े मैदान में आर्मी का हैंड ग्रेनेड बम मिल गया। बम की सूचना पर आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई और अफरा तफरी मच गई। बम निरोधक दस्ते ने बम को अपने कब्जे में लिया और स्थिति को काबू में किया। आपको बता दें कि तहसील इगलास के गांव बेसवा में मार्केट के पीछे बच्चों को खेलने के दौरान आर्मी का हैंड ग्रेनेड बम दिखा, जिसकी सूचना पर बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बम की सूचना पुलिस को स्थानीय लोगों ने दे दी। मौके पर सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया और कस्बे के बाजार से आम लोगों को दूर हटाया। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंच गया। दस्ते ने वहां जाकर सुरक्षित तरीके से बम को अपने कब्जे में लेकर निष्क्रिय करने के लिए अलीगढ़ मुख्यालय ले गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह बम देखने में पुराना लग रहा है, अब इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पता पड़ पाएगा कि यह बम यहां कैसे आया। मैं बम मिला है, ये कुमार मार्केट है, ये देवेंद्रनाथ त्रिपाठी का खेत है, यहाँ पर झाड़ियाँ हैं। एक सुबह सुबह बच्चे खेलते हुए आए यहाँ पर, सोच करने आते हैं वो, तो उनको एक लोहे का सा बम बोले, लोहे का सा कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो कुछ हम दुकानदार हैं यहाँ पर, उन्होंने हमें सूचना दी कि ऐसे ऐसे कोई बम पड़ा हुआ है। हमने जाकर देखा, वो उठाकर देखा हमने, हम तो वो बम था, हमने वो पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस बेसमा चौकी इंचार्ज अपनी कुल सिपाहियों के साथ आ गए, कोतवाल इंस्पेक्टर साहब आ गए इस इगलास से, लेकिन अभी तक इसको मिस करने वाली जो कहते हैं कि बम निरोधक दस्ता अभी तक नहीं आया। इसको करीब 4-5 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पर भीड़ है, जल्द से जल्द ये यहाँ से ले आया जाए जिस ताकि यहाँ से भीड़ हटे। क्या नाम है आपका? अरे, कोई बेसमा में कोई बम मिलने का मामला है, क्या है मामला? बेसमा कुमार साहब की दुकान नहीं पीछे बम मिले हुए, और पुलिस से सूचना थी, पुलिस आ गई, बम में ले गई। कैसे पता चला, कहाँ से आए बम, कैसे कहाँ से आए? का बाले में जो तो जनता जाने, जो तो धरे विभाग जाने, हमें बाले में।